नमस्कार। मेरा आज का वीडियो जो जनता ज्ञान पर है, मेरे विचार के मुताबिक जनता जो है वो ज्ञान का भंडार होती है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, मतलब पीपल्स को ही उसने एक सरकार का सब कुछ दे दिया, मतलब जनता को ही उसने सर्वोपरि मान लिया कि पब्लिक इज सुप्रीम। तो इसका मतलब है कि जनता में कुछ ना कुछ तो है। जैसे मतदान, मतदान का मतलब होता है, मत मीन्स टैलेंट, बुद्धि, विचार, दान का मतलब डोनेशन, मतलब सरकार भी बनती है मतदान से बनती है, मतलब जनता के टैलेंट द्वारा ही बनती है। जनता जिन पे अच्छा विश्वास करती है, जिनको समझती है कि ये जो है काबिल लोग हैं, ये ईमानदार हैं, समझदार हैं और ये मैनेजमेंट में अच्छे रहेंगे, उन लोगों को अपने विचार जो है वो डोनेट करती हैं, उसके विचारों के डोनेशन द्वारा उनको सिलेक्ट करती हैं। वो विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई फीस नहीं लेती। जनता डू नॉट चार्ज एनी फीस फॉर इलेक्टिंग एनी मेंबर, इट इज़ टोटली डोनेशन ऑफ द थॉट्स, कोई उसके लिए कंसिडरेशन नहीं लेती। मतलब है कि जनता का जो ज्ञान है वो सबसे ऊंचा है, इसलिए उसको भी सम्मान दिया जाए हर जगह पे, और जनता के ज्ञान को मैनेज किया जाए, जनता टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम बने और जनता टैलेंट मैनेजमेंट बैंक बने, मतलब कुछ लोग जो हैं वो जनता के साथ इंटरेक्शन करके जनता के टैलेंट को एक ऑर्गेनाइज वे से, एक सिस्टम से उसको इकट्ठा करें और ज़रूरत पड़ने पे देश का मार्गदर्शन करें। ऐसे लोगों को अगर राजनीति में कुछ प्रमोशन मिले तो वो सरकार और देश की काफ़ी समस्याओं को हल कर पाएंगे, और ना कभी झगड़ा होगा, ना कहीं हड़ताल होगी और ना कहीं जुलूस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि सारी चीज़ें जो है जनता के टैलेंट द्वारा बड़े प्यार से, मित्र भाव से हल हो जाएंगी। तो इसलिए जनता के टैलेंट को सर्च किया जाए, जनता के टैलेंट को प्रमोट किया जाए, जनता के टैलेंट को मैनेज किया जाए, जनता के टैलेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाए और जनता के टैलेंट को यूज़ करके जनता और देश की समस्याओं को समाधान किया जाए और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड की जो समस्याएं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इवन जनता टैलेंट द्वारा युद्ध भी रोक सकते हैं और विश्व युद्ध तो रोकना सबका धर्म है। तो मेरे ख्याल जनता टैलेंट को प्रॉपर वे से मैनेज करके हम देश की और दुनिया की समस्याओं को समाधान करने में एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।